हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एरिस्टोजाइम सिरप के बारे में, या इसका क्या फ़ायदा है, इसे कब ले सकते हैं, किस बीमारी में इसे इस सिरप को ले सकते हैं, या एरिस्टोजाइम क्या प्रेगनेंसी महिला को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इसका MRP कितना है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट कब का है, एक्सपायरी डेट कब का है, इसका डोज कितना दें और एरिस्टोजाइम सिरप का साइड इफेक्ट क्या है, पूरी डिटेल से हम जानेंगे इस नए वीडियो में। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो दवाइयों की जानकारी के बारे में आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले हम इसका ब्रांड नेम की बात करें तो, यानी प्रचलित नाम की बात करें तो, इसका प्रचलित नाम है एरिस्टोजाइम सिरप है। यह एरिस्टोजाइम सिरप के नाम से सभी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। यह मार्केट में एरिस्टोजाइम के नाम से प्रचलित है। अब हम इसका कॉम्बिनेशन की बात करें तो, इसका कॉम्बिनेशन में है डाइजेस्टेज एंड पेप्सिन लिक्विड। इसमें दो तरह का कंपोजिशन नेम मिला हुआ है। अब ड्रग्स नाम यानी कंटेंट की बात करें तो, यह 5 ml में कितना कंटेंट यह मिलाकर बनाया गया है। एरिस्टोजाइम सिरप 5 ml में डाइजेस्टेज 50 mg और पेप्सिन 10 mg डोज पड़ता है प्रति 5 ml सिरप में। यह सिरप 200 ml का है। अब हम इसका बैच नंबर की बात करें तो, इसका बैच नंबर है DPL 232647 है। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी निर्माण की तिथि की बात करें तो, इसका नवंबर 2023 में इस सिरप का निर्माण हुआ था। एक्सपायरी डेट यानी समाप्ति डेट की बात करें तो, इसका अप्रैल 2025 में इस सिरप एक्सपायर हो जाएगा। और इसका MRP की बात करें तो, इसका MRP अभी 136 रुपया है। सभी मेडिकल स्टोर में कुछ डिस्काउंट करके मिल जाएगा यह सिरप। अब हम इस सिरप का डोज की बात करें तो, यह सिरप एडल्ट व्यक्ति के लिए 5 ml 3 टाइम दे सकते हैं। अगर किसी का उम्र 15 से कम हो तो उसे 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं, और जिसका उम्र 10 साल से कम हो तो उससे 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं, और 5 साल का कोई बच्चा हो उसे 1 ml सुबह शाम दे सकते हैं, 5 साल से कम हो उसे 0.5 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं इस सिरप का। यह सिरप का अपने से खुद न ले, कृपया अपने डॉक्टर से सलाह से ले। अब हम यह सिरप किसे दे सकते हैं, किसे नहीं दे सकते हैं। यह सिरप पाइनएप्पल इसका फ्लेवर है। यह प्रेगनेंसी महिला को कभी भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पाइनएप्पल प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। पाइनएप्पल यानी अनानास से बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए यह सिरप को प्रेगनेंसी महिला में कभी भी नहीं देना चाहिए। अगर आपको किसी तरह का बीमारी हो, किडनी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो यह सिरप को नहीं लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ये सब बीमारी आप नहीं है तो इस सिरप को ले सकते हैं। अब हम इस सिरप का फायदे की बात करें तो, यह सिरप पाचन शक्ति को बढ़ाता है। यह सिरप पाचन शक्ति बढ़ाने में बहुत काम करता है। अगर आपको पाचन शक्ति बढ़ता है तो भूख भी लगेगा, जल्दी जल्दी भूख भी लग सकता है। इस सिरप से पाचन शक्ति बढ़ने पर भूख भी लगना ज़रूरी है। अगर भूख लगेगा तब भोजन ज़्यादा खाइएगा तो वज़न भी आपका बढ़ सकता है। इस सिरप से वज़न भी बढ़ सकता है आपका। अगर वज़न बढ़ना तो आपको शक्ति मिलना भी ज़रूरी है, वज़न के अनुसार भी शक्ति बढ़ सकता है, स्फूर्ति भी मिलता है इस सिरप को लेने से। अगर पेट में गैस है तो उसे खत्म करता है इस सिरप से। एसिडिटी को ख़त्म करने में यह सिरप बहुत काम करता है।
यह कई तरह के बीमारी में काम भी आता है। पाचन शक्ति को बढ़ाना, भूख लगना, वजन बढ़ाना, शक्ति मिलना, एसिडिटी खत्म करना, कब्जियत दूर होना, ये सब तरह का बीमारी को साफ करता है। अब हमें एस्ट्रोजेम सिरप का साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इस सिरप को लेने से उल्टी भी हो सकता है, दस्त भी हो सकता है इस सिरप को लेने से, पेट में जलन भी होता है, जलन होने के बाद दर्द भी करेगा पेट। इस सिरप को लेने से नींद भी आ सकता है, इस सिरप से को लेने से इस सिरप से पेट में अल्सर भी हो सकता है, छाले भी पड़ सकता है। इस सिरप का ये सब साइड इफ़ेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।